तक तो 10 सालों में कोई जांच दिखी नहीं, कुछ हुआ नहीं, और 10 सालों से लगातार क्वेश्चन पेपर लीक आउट होते हैं। डायरेक्टर को सस्पेंड तो करो, जेल तो भेजो, और सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना हाई तोबा क्यों? जो बात वो कर रहे हैं, आज जो हमारे राष्ट्रपति महोदया जी ने की और जो ये लोग कर रहे हैं इमरजेंसी, तो ये अरविंद केजरीवाल जी उदाहरण है, अघोषित इमरजेंसी। आज तक तो 10 सालों में कोई जांच दिखी नहीं, कुछ हुआ नहीं, और 10 सालों से लगातार क्वेश्चन पेपर लीक आउट होते हैं। तो आप ज़रा हमको बता दो, कौन सी निष्पक्षता की बात करते हैं, हमको आप ज़रा बता दीजिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, जो सरकार लिख के देता है, आप उस तरह की बिहेव करते हो। भैया, डायरेक्टर को सस्पेंड तो करो, जेल तो भेजो, और सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना हाई तोबा क्यों? जब अपराध शाखा कर ही रही थी तो आपने क्यों टेक ओवर लिया? जब आपको किसी ने दिया नहीं, जब लिखा नहीं बिहार गवर्नमेंट ने चिट्ठी, तो फिर सीबीआई टेक ओवर क्यों लिए? और पासवर्ड डायरेक्टर के पास था तो क्वेश्चन किसने निकाला? कोई और तो निकाला नहीं, तो बहुत क्लियर है। अच्छा, जो बात वो कर रही है ना, मुझको समझ में नहीं आता, जो बात वो कर रहे हैं, आज जो हमारे राष्ट्रपति महोदया जी ने की और जो ये लोग कर रहे हैं इमरजेंसी, तो ये अरविंद केजरीवाल जी उदाहरण है, अघोषित इमरजेंसी। और जिस तरीके से आप, जो लोग आपके साथ आए, तो आप उनको महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और जो ना आए उनके घर में ईडी सीबीआई सब भेजते रहो, परेशान करते रहो। और 5 जज ने भी अघोषित इमरजेंसी के बारे में कह दी थी, और जितने चुने हुई सरकार थी जिसको हटा दिया गया, वो भी अघोषित इमरजेंसी का हिस्सा है। तो इसीलिए सूप बाजा तब बाजा, चलनियों बाजा, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। अब 50 साल पुरानी इतिहास, और उस प्राइम मिनिस्टर को आप गाली दे रहे हैं जिन प्राइम मिनिस्टर ने सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान, देश को गौरवान्वित किया है। और 50 साल बाद जब कई बार देश ने एक बार पनिश भी किया इंदिरा गांधी जी को, और उसके बाद फिर सम्मान भी दिया, और राहुल गांधी जी ने तो कई बार इसका जिक्र किया है कि कांग्रेस ने जो कभी कभी भूल की है वो गलत था। तो जब राहुल जी खुद इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं और लगातार ये हो चुका है, तो उसके बाद आप पॉलिटिकल एजेंडा और पार्टी का एजेंडा आप चेयर के द्वारा प्लेस करो, ये ना तो सकारात्मक है और ना ही किसी भी तरह का आप उसको सही नहीं ठहरा सकते।